हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टू कलर का बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा बेबी स्वेटर का डिजाइन लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बनाएंगे और बहुत ही आसान डिजाइन है। जितना डिजाइन देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने ये टू कलर की वूल ली है और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। नॉर्मल वूल है तो देखिए, सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे जो हमारा बेस कलर है, डार्क कलर है, उससे हम फंदे डालेंगे। लाइट कलर से डिजाइन डालेंगे। आप जैसा भी आपका मन करे आप वैसा ही बना सकते हैं। तो देखिए, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें फंदे चाहिए जो 4 के हिसाब से चाहिए। पहले 4 गिनिएगा, फिर से 4, फिर से 4, फिर से 4, लास्ट में आपके 3 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए, तो डिजाइन अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। बहुत ही प्यारा डिजाइन बनेगा। इजी डिजाइन है, बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। अगर आपको डिजाइन ये पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बुनना शुरू करते हैं। तो इस तरह से आप पहले फंदे डालिएगा, फंदे डाल के और बॉर्डर बना लीजिएगा। सीधी तरफ से बुनना शुरू होगा। 4 सिलाइयों का डिजाइन है और 8 सिलाइयों में डिजाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए किस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो ये बॉर्डर है, मान लीजिएगा मैंने ये 2 सिलाइयों का बॉर्डर बुना है, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा मैंने बुना है। फिर यहाँ से ही हम अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। तो मैं ये सेकंड कलर वाइट लगाऊंगी यहाँ पे। इस तरह से सेकंड कलर को ज्वाइंट करते हुए बुनेंगे, इसको टाइट करेंगे और इस धागे को अंदर की तरफ दबाएंगे। 1, 2, इसको अंदर दबाएंगे, 3। तो देखिए 3 फंदे बुने, 1 फंदा स्लिप किया। फिर से 3 फंदे बनाए, 1, 2, 3, फिर से 1 स्लिप किया। तो इसी तरह से 4 फंदे हैं, जैसे 3 बुने 1 स्लिप, 3 बुने 1 स्लिप, इसी तरह से हम फर्स्ट रो इसकी बना लेंगे। 1, 2, 3, फिर से स्लिप करेंगे। अब देखिए फिर से 3 फंदे बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर से स्लिप करेंगे। आपके प्रोजेक्ट में जितने फंदे हों इसी तरह से आप बुनिएगा। 3 बुनेंगे 1 स्लिप करेंगे, 3 बुनेंगे 1 स्लिप करेंगे, लास्ट में 3 फंदे हैं तो ये 3 फंदे बुन लेंगे। डिजाइन डालते समय जब आप फंदे डालेंगे, 4 के मल्टीपल डाल के और 3 फंदे प्लस करेंगे, तो ये दोनों तरफ से, जैसे यहाँ पर भी 3 फंदे वाइट के हैं और लास्ट में भी 3 फंदे वाइट के हैं, तो इस तरह से डिजाइन अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। डिजाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। अब आ जाइए सेकंड रो उल्टी तरफ। तो देखिए जो फंदे बुने हुए हैं, 1, 2, 3, इनको बुन लेंगे। स्लिप फंदा है, इसको फिर से स्लिप करेंगे। फिर से 3 बुनेंगे, 1, 2, 3, फिर से इसको स्लिप करेंगे, फिर से बुनेंगे, 1, 2, 3, फिर से इसको स्लिप करेंगे, फिर से बुनेंगे, 1, 2, 3, फिर से इसको स्लिप करेंगे, लास्ट के फंदे फिर से बुन लेंगे। तो 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हुई। अब आ जाइए सीधी तरफ, सीधी तरफ तीसरी सिलाई। अब देखिए तीसरी सिलाई को देखिएगा, फिर से ऐसे ही बनाएंगे जैसे फर्स्ट रो बुनी थी। 3 फंदे, 1, 2, 3, 3 फंदे बुने, ये फंदा स्लिप किया। फिर से 3 फंदे बुने, 1, 2, 3, फिर से फंदा स्लिप किया। फिर से 3 फंदे बनाए, 1, 2, 3, फिर से स्लिप किया। फिर से 3 फंदे बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर से स्लिप करेंगे, फिर से लास्ट के 3 फंदे सीधे। तो 3 सिलाइयाँ डिजाइन की हमारी बन के कंप्लीट हो गई हैं इस तरह से। अब चौथी सिलाई उल्टी तरफ। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 फंदे यहाँ से हम सीधे बनाएंगे, जो बुने हुए फंदे हैं उनको सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, धागा अपनी तरफ करेंगे और जो ये स्लिप फंदा है इसको फिर से स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे करेंगे, इन्हीं 4 फंदों को रिपीट करेंगे।
एक दो तीन, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से तीन फंदे, एक दो तीन, फिर धागा अपनी तरफ, स्लिप फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे, फिर से तीन फंदे सीधे। तो चार सिलाइयाँ बन गई डिजाइन की, और इस तरह से डिजाइन बना है। अब जो ये डिजाइन है इसकी जगह को हम चेंज करेंगे, तो जो ये डिजाइन यहाँ पे डलेगा ये सेंटर में डलेगा, तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। डिजाइन की है अब सीधी तरफ पांचवी सिलाई, तो अब यहाँ से हम अपना कलर चेंज करेंगे, तो जो बेस कलर है उसको लगाएंगे। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे, सेंटर में डिजाइन बनाएंगे, तो जो तीन फंदे हमने बुने थे, अब देखिए इसमें से हम एक फंदा बुनेंगे, ऐसे एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा बुना, जो बीच का है इसको स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे बनाएंगे, एक दो तीन। अब देखिए जो ये हमारा स्लिप वाला फंदा था ये पांचवी सिलाई में बुन जाएगा, दोनों तरफ से एक एक फंदा लेके और ये तीन फंदे बना लेंगे, इसको फिर स्लिप करेंगे। अब देखिए जो ये स्लिप फंदा है इसके दोनों तरफ से एक एक फंदा बुनेंगे, इस स्लिप फंदे को भी बुन लेंगे, एक और बुनेंगे, तो ये इसी तरह से डिजाइन बनता जाएगा। तीन बुने, एक स्लिप किया, फिर से तीन फंदे बनाए, एक दो तीन, इसको स्लिप किया, फिर से तीन फंदे बनाए, एक दो तीन, इसको फिर से स्लिप किया, फिर से एक फंदा लास्ट का बुन लिया। तो पांचवी सिलाई बन गई और डिजाइन भी हमारा इस तरह से बन के आ गया। अब देखिए छठी सिलाई उल्टी तरफ, फिर से ऐसे ही करेंगे, जो बुने हुए फंदे हैं उनको बना लेंगे, एक इसको स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे बुनेंगे, दो तीन, फिर से इसको स्लिप करेंगे, फिर से तीन बनाएंगे, एक दो तीन, फिर से इसको स्लिप करेंगे, फिर से तीन बुनेंगे, एक दो तीन, फिर से इसको स्लिप करेंगे, फिर से तीन बनाएंगे, एक दो तीन, फिर से इसको स्लिप करेंगे, फिर से इसको बनाएंगे। तो छह सिलाइयाँ हमारी बन गई। अब है डिजाइन की सातवीं सिलाई, और डिजाइन भी इस तरह से नजर आने लग जाएगा, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनता है और बहुत ही आसान है, बगैर डबल धागा घुमाए बहुत ही सुंदर डिजाइन ये बनता है। बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में आप डालिए, बेबी कार्डिगन में, बेबी स्वेटर में, कैप में, सॉक्स में, किसी में डालिए, बच्चों के लिए ये बहुत ही सुंदर डिजाइन बनता है। तो तीसरी सिलाई, तीसरी सिलाई को फिर से ऐसे ही बनाएंगे, बुने हुए को बनाएंगे, स्लिप को स्लिप करेंगे, बुने हुए को फिर से बनाएंगे, इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे, जिसको थोड़ा सा भी बुनना आता हो, और आप इसको अगर मल्टी कलर में बुनना चाहते हैं तो ये मल्टी कलर में भी बन के आ जाता है, बहुत ही प्यारा डिजाइन बनता है। चार सिलाइयाँ हमारी एक डिजाइन की बनती हैं, चार सिलाइयाँ हमारी एक डिजाइन की बनती हैं। इस तरह से सात सिलाइयाँ डिजाइन की बन गई, और डिजाइन भी देखिएगा इस तरह से बन के आया है। आठवीं सिलाई को फिर से जैसे चौथी सिलाई बनाई थी ऐसे ही बुनेंगे, तो जो बुने हुए फंदे हैं उनको सीधा बनाएंगे, ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे, स्लिप फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से धागा पीछे करेंगे, और फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ इसको स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे, और फिर से तीन फंदे बुनेंगे। अगर आप बुनने में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और इस डिजाइन को बनाइए, और बनाने के बाद आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये डिजाइन बनाने के बाद कैसा लगा। पहले आप थोड़े से फंदे डाल के डिजाइन को बनाना सीखिएगा, फिर आगे डिजाइन को प्रोजेक्ट में अप्लाई कीजिएगा। तो ये आठ सिलाइयाँ हमारी बन गई, और डिजाइन देखिएगा इस तरह से हमारा ये बन के आ गया।
अब फिर से हम ये व्हाइट कलर लगाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी थी ऐसे ही बुनेंगे। तो मैं एक बार आपको और बना के दिखा देती हूँ, दोबारा से डिजाइन स्टार्ट हो गया, ये एक सिलाई और डाल देती हूँ, एक दो तीन। अब ये बीच वाला स्लिप करेंगे, फिर से तीन बुनेंगे, एक दो तीन, फिर से इसको स्लिप करेंगे, एक दो तीन, फिर से स्लिप करेंगे, एक दो तीन, फिर से इसको स्लिप करेंगे, एक दो तीन। तो देखिए 8 सिलाइयों का डिजाइन था और डिजाइन इस तरह से बन के आया है, बहुत ही सुंदर डिजाइन है। अगर आपको ये मेरा डिजाइन पसंद आए और बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखिए जब आप 4-4 सिलाइयां बनाएंगे तो ये इस तरह से बन के आ जाएगा, आपका बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बनेगा। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।